नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जुड़ चुका हूं मैं यहां पर शिक्षा जगत की बहुत ही बड़ी और महत्वपूर्ण लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो बताते चले सभी को, अब यहां पर नज़र लगा हुआ है कि अगले शिक्षा मंत्री के रूप में कौन होंगे। तो यहां पर दाते चले हम आपको अगले शिक्षा मंत्री के रूप में जो बातें खुलासा होकर के सामने, अब तक की जो बात रिपोर्ट आ रही है, यहां पर अखिलेश महतो के रूप में आ रही है, यानी शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के पुत्र अखिलेश महतो को यहाँ पर शिक्षा मंत्री बनाए जाने की पूरी तैयारी चल रही है। क्योंकि जैसा यहाँ पर देखने को प्रतीत हो रहा है कि जो हमारे यहाँ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं, वे जो हैं उस घर के प्रति बहुत ही सहानुभूति रखते हैं और उनकी सहानुभूति की अगली कड़ी उनके बेटे जो है अखिलेश महतो को यहाँ पर शिक्षा मंत्री बनाए जाने की कवायद तेज कर दी गई है। और 6 महीने के लिए अभी ये शिक्षा मंत्री रहेंगे और चुनाव जीतने के बाद ये पूर्ण रूप से शिक्षा मंत्री का पद संभाल सकते हैं। क्योंकि झारखंड में इसके पहले गए हैं, जिसे शाहनवाज हुसैन के यहाँ पर निधन के बाद उनके पुत्र को बनाया गया था मंत्री। तो बहुत ही ज़्यादा उम्मीद लगाया जा रहा है कि आपके अगले शिक्षा मंत्री के रूप में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के पुत्र अखिलेश महतो का नाम का घोषणा किया जा सकता है, ऐसी कवायद तेज लगाई जा रही है। और इसके बाद यहाँ पर कुछ शिक्षकों की तरफ से यहाँ पर अखिलेश महतो जी से भी कुछ बातचीत हुई है पारा शिक्षकों के मंत्री से, जिसमें यह बातें खुलकर सामने आई कि आकलन परीक्षा पास करने वाले सभी शिक्षकों को वेतनमान दिया जाएगा। तो इस पर एक और बड़ी बात सामने आ रही है कि सभी शिक्षक लोग इसके प्रति जरूर कार्य करेंगे कि जिससे अखिलेश महतो जब उपचुनाव जीत करके आए तो उनका मानदेय भी बढ़ेगा और जितने भी आकलन परीक्षा पास रहेंगे उनको वेतनमान भी मिलने की बात कही जा रही है, जो कि गुप्त सूचना के आधार पर पता चल रहा है। तो देखते हैं आगे क्या कुछ होता है, जैसा कुछ भी आएगा आपको रिपोर्ट बताया जाएगा। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, इसके अलावा सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।